क्या कोरोना वैक्सीन गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ है? क्या गर्भवती महिलाओं को कोरोना की वैक्सीन लेनी चाहिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने प्रेगनेंसी के दौरान कोविड-19 के प्रभावों को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। इंटर कोविड स्टडी में रिसर्चर्स ने बताया कि महामारी की शुरुआत में बताए गए कोरोना के खतरे से कहीं ज्यादा खतरा माता और शिशु के लिए है। स्टडी में पाया गया कि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड-19 के शिकार महिलाओं में दूसरी प्रेग्नेंट महिलाओं की तुलना में 50% अधिक प्रीमैच्योर बर्थ, प्री एक्लेम्सिया और गहन देखभाल जैसी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की संभावना ज्यादा थी। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि संक्रमित माताओं से जन्मे शिशु में कई तरह के मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस का खतरा सामान्य रूप से जन्म लेने वाले बच्चों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था और अधिकांश रूप से इसका मुख्य कारण प्रीमैच्योर बर्थ था। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी साफ किया कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से संक्रमित माता से शिशु को कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है। मेडिकल जर्नल जामा में बाल रोग पर छपी इस स्टडी के लिए 18 देशों में 2100 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का आकलन किया गया है। तो वहीं हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी कहती है कि भले ही संक्रमित माता से नवजात में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बेहद ही कम है, लेकिन फिर भी मां की बिगड़ती सेहत और बीमारी के कारण नवजात शिशु को अप्रत्यक्ष रूप से हेल्थ रिस्क झेलना पड़ सकता है। बात करें भारत की, तो अभी तक देश में प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वैक्सीन न लेने की सलाह दी गई है, क्योंकि किसी भी परीक्षण में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को अमूमन शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अच्छी खबर ये भी है कि कोविड-19 के टीकाकरण पर अमेरिका के नए साक्ष्य बताते हैं कि फाइजर और मॉडरेना का टीका महिलाओं के साथ साथ उनके शिशुओं के लिए भी सुरक्षित थे। रिसर्चर्स को 35,000 से ज्यादा महिलाओं पर की गई स्टडी के दौरान किसी में भी कुछ खास गड़बड़ी देखने को नहीं मिली।